सर्कस की कलाबाजियाँ किसको नहीं पसंद आती होंगी, लेकिन मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद आता था वो था जब एक आदमी पतली सी रस्सी पर चलता था। उसमें जो सबसे शॉकिंग चीज़ होती थी वो थी कि वो अपने साथ पोल को लेकर चलता था, तो मुझे लगता था कि वो अपने कलाबाजी को मुश्किल बनाकर लोगों से ज़्यादा वाहवाही लूटना चाहता है। लेकिन बड़ा होने पर पता चला कि इसके पीछे साइंस है। एक्चुअली रस्सी का अपने पैरेलल एक्सिस के अबाउट एक रोटेशनल इनर्सिया होता है, और इस रस्सी का रोटेशनल इनर्सिया कम होगा पतला होने के कारण, और यही कारण है कि हमारे रस्सी पर चलने पर पैर से हल्के से भी टेंजेंशियल फोर्स पर ये रस्सी तेजी से घूम जाती है। लेकिन इस केस में हमारा बॉडी हाथ फैलाकर रोटेशनल इनर्सिया बढ़ाना चाहता है, लेकिन ये इतना काफी नहीं होता है बैलेंस करने के लिए। लेकिन हाथ में पोल लेकर चलने पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी से दूर तक मास का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, जिससे पूरे सिस्टम का रोटेशनल इनर्सिया बढ़ जाता है। ये ठीक गोल गोल घूमने जैसा है। जैसे ही हम हाथ को फैलाते हैं तो रोटेशनल मोशन हमारा स्लो हो जाता है, लेकिन हाथ को पास लाने पर तेज हो जाता है। और इसके साथ साथ कलाकार अपनी बॉडी को नीचे की तरफ ले आता है, जिससे सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ शिफ्ट होती है, जिससे स्टेबिलिटी उसकी बढ़ जाती है। और इसके साथ साथ कलाकार हमेशा रस्सी के परपेंडिकुलर एक्सिस पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी को मेंटेन करना चाहता है, जिससे बैलेंस बना रहे, नहीं तो उसके साथ भी वही होगा जो मेरे साथ हुआ। बहुत सारे ऐसे दुर्घटना के बाद साइंस को यूज़ करके मैंने किसी तरीके से ये पूरा रस्सी चल पाया।